अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपके इस जर्नी में कैल्शियम और विटामिन डी आपकी काफी मदद कर सकते हैं। कई थ्योरीज है जो ये बतलाती है कि जब कैल्शियम कम होता है तो फैट सेल का फॉर्मेशन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है। जीमेल की साहब की एक थ्योरी है जो बोलता है कि जब आप कैल्शियम एडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं, आपके ब्लड में कैल्शियम विटामिन डी का लेवल प्रॉपर होता है, तो ये फैट सेल्स पे काम करता है, जिसे एडिपोसाइट्स कहा जाता है। एडिपोसाइट्स पे फैट का फॉर्मेशन और बर्निंग इकट्ठी चलती है, तो जब ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है तो फैट का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जिससे वेट गेन होता है, और जब ब्लड में कैल्शियम विटामिन डी का लेवल ठीक होता है तो फैट की बर्निंग ज्यादा शुरू होती है, जिसे लाइपोलाइसिस कही जाती है, ये बढ़ जाते हैं। जैसे जब ये फैट बर्न होता है तो उससे हीट जनरेट होता है, जैसे थर्मोजेनेसिस कहा जाता है। जब हीट ज्यादा ये जनरेट ज्यादा होता है तो बीएमआई जो बॉडी मास इंडेक्स होता है ये कम होना शुरू हो जाता है, आपका वेट लॉस होना शुरू होता है। एक दूसरी भी थ्योरी है कि जब आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं या कैल्शियम आपके फूड में प्रचुर मात्रा में है, तो ये कैल्शियम इंटेस्टाइन में जाके फैट सेल्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाता है जो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो वो फैट बॉडी से बाहर हो जाता है स्टूल के रास्ते से, फिकस के रास्ते से। ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स बनने में एनर्जी यूज होती है, तो ये जो एनर्जी यूज होती है, तो नंबर एक कैलोरी आपकी बर्न हो रही है, दूसरा आपका फैट अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ये दोनों रास्ते से यहां भी आपका वेट लॉस शुरू हो जाता है। तो अगर आप सही में अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो आपके लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ही जरूरी है।